आई है, है ना, प्लीज। नहीं तो एड्रेस अब यहाँ का हो गया ना, चेक वहीं का है, चेक वहीं का है, इसलिए अभी क्या करते हो? कब से कर रहे हैं? नहीं चेक तो, चेक तो चूंकि पुराना है, यहाँ तो मिला ही नहीं है हमको, उन्होंने कहा पहली बार अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, पहली बार पास यहाँ पे काम हो जाता है। रिटर्न में किस वजह से रही? तो यही का है ना, क्या हमने एड्रेस चेंज, यहाँ हमने चेंज करा दिया है एड्रेस, और ये क्या नाम है, तो यहाँ वाले तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ी देर रुक भेजूंगा, मैं तो यहाँ एक इंटरव्यू चल रहा है उसमें हूँ। यहाँ अब कर लिया आपने, इसको छोड़ दीजिए और सिविल में। हाँ हाँ ऐसा ऐसा कर दीजिएगा, आप चेक दे दीजिएगा हमें। हाँ हाँ ड्राफ्टिंग आती है क्या? आप वो करा दीजिए खाली बस। और इंटरव्यू में? ठीक डॉक्टर साहब, ठीक, थैंक यू। इंटरव्यू में? अच्छा नहीं, आप पहली बार इंटरव्यू में? पहली बार, हाँ। तो इंटरव्यू में क्या कमी थी जो रह गई आप? आपको मालूम होना चाहिए ना भाई, मेरे को थोड़ा सा ये था, एक्सप्रेशन कम था, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हाँ दोनों इम्प्रूव है, नहीं इम्प्रूव है, यूँ कहना चाहिए। तो सिविल में क्या सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट सेक्शन एक से क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होती है? सिविल में प्रोसिक्यूशन पर होता है, जो वादी होता है उनके ऊपर सबूत का भार होता है, सिविल केस। वादी पे ही है जो असर्ट करता है उस पर, कोई चीज को जो असर्ट करता है उस पर होता है, या वादी कोई होता है? सर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होते हैं, एक बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, देन एक ऑनर्स ऑफ प्रूफ होता है, वो बदलते रहते हैं। कि अगर किसी ने एक एविडेंस दिया और उन्होंने अपने आप को क्लैरिफाई कर दिया, देन वो सेकंड पार्टी पर आ जाता है कि अब उसको प्रूफ करने का बर्डन सेकंड पार्टी पर है, तो ऐसे चेंज होते हैं। तो एविडेंस एक्ट आपको अच्छा होता है? सीपीसी? सर सीपीसी किया तो है, बट उसमें थोड़ा बाकी, हम ट्राई करेंगे। कहाँ के रहने वाले हो आप? यहीं की जयपुर? अजमेर। हाँ बेटा अजमेर। तो अजमेर की क्या चीज़ मशहूर है? अभी अगर रिसेंटली देखा जाए तो पुष्कर में, पुष्कर मेला फेमस है। वैसे अदरवाइज पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास वो, तुम्हारे पास मौसा जी का नंबर है, चिश्ती जी की दरगाह है, और आना सागर झील जिसके किनारे बारह देवी है, इंटरव्यू में बैठा हूँ मैं, उनको बात करके भेज दूँ उनको। तारागढ़ पहाड़ी पर तारागढ़ किला बना हुआ है, सोनी जी की नसिया। नहीं पैदा हुई आप? हाँ जी। पापा जी क्या करते हैं? सर अभी रेलवे एम्प्लॉय थे, बट अभी उनकी डेथ। सर अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? हाउ मैनी ब्रदर्स सिस्टर्स? छः। आप कब से बड़ी है, छोटी हैं? बीच में छोटे हैं। आप सबसे बड़े क्या करते हैं? सबसे बड़े भैया हैं, वो रेलवे एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय। और कितने बहन हैं? पाँच। पाँच बहन हैं, वो क्या करते हैं? दो सिस्टर की शादी हो गई, वो स्कूल में टीचर है, देन एक दो दी की शादी नहीं हुई है सिस्टर की, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है फैशन डिजाइनर की, और एक सिस्टर कॉम्पिटिशन की। तो ये लॉ, ये जुडिशियल सर्विस में कैसे सोचा आपने? सर हमारे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारे अंकल एडवोकेट हैं। हाँ, कहाँ पर? अजमेर सेशन कोर्ट। तो उनके साथ कभी कोर्ट में गए आप? जी हम बचपन से उनके साथ में, जब संडे होता था तो वो उनका कोई काम होता था, हम उनके साथ में जाते थे, मतलब वो उनका तो काम होता था बट हम ऐसे घूमते थे कोर्ट में, तो तब से थोड़ा अटैचमेंट हो गया था। चलिए सर। तो कोर्स की क्या हालत है अजमेर में, क्या देखा? बेटा मैं एक इंटरव्यू बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा भाई तो स्टेट भरोगी तो बैठोगी तो वहाँ क्या फेस करना है? सर वहाँ पे
हाँ उन्हें पता है, तुम अपना नंबर दे दो, जो कह मुझसे कहना चाहती हूँ उनको बता दो। जो आते हैं विटनेसेस वगैरह उनके बैठने की अरेंजमेंट्स नहीं है, और वकीलों के लिए भी प्रॉपरली वहाँ पे चैम्बर्स अवेलेबल नहीं है, उन्हें पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है, और वो एक आते ना चादर लगा के या उनको लगा के उनको बैठना पड़ता है, उनको बारिश में प्रॉब्लम, वो सब प्रॉब्लम है, पार्किंग की भी प्रॉब्लम है। तो आपसे कहेंगे सारी बातें ठीक करो। हाँ कैसे करोगी बताओ। फिर वो जहाँ आपकी कार पार्किंग की जगह है वहाँ घुस जाएंगे, हम तो यहाँ बैठेंगे, करेंगे ना, तब क्या कैसे समाधान करोगे? सर जो अजमेर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उन्हें कहेंगे कि आप यहाँ के थोड़े अरेंजमेंट कीजिए पार्किंग के लिए। वहाँ पे सामने ही एक खाली प्लॉट है, वहाँ पे आप पार्किंग की। तो अजमेर ही थोड़ी रहना है? हाँ जी वो है, अपने से जयपुर रहना है मान लो। अब जो दिल्ली में जो प्रॉब्लम हुई पार्किंग पे, तो भी झगड़ा, हाँ यहाँ तो रोज ही झगड़े होते हैं, तो क्या समाधान है? सर हम पार्किंग के लिए उनको, यहाँ तो मैं स्ट्रीट की जगह ही करते हूँ खड़ा, हम भी आपके सर कोर्ट है वहीं खड़े करेंगे, तब क्या समाधान करोगी ये बता। फेस करना पड़ेगा ना आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको आइडिया पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू डू। सर अब ऐसे तो उनसे हम लड़ेंगे तो नहीं कि ठीक है आपने खड़ी कर दी, तो आपने पहले खड़ी की है तो आप ठीक है आप कर लीजिए, हम कहीं और कर लेंगे, अच्छी मैजिस्ट्रेट बनेगी तो सारी चीजें वो कहेंगे अच्छा सर फिर आप कोई डिसीजन बता दो, आप ही लिख दीजिए, आप ही अपना फैसला कर दीजिए। सर लेकिन जो हमारा एक है, जो हमारी सीट है डायस पे, वहाँ पे तो कोई नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर फेंक दिया था। हाँ अच्छा यहाँ पर तो एक डायस पर भी बैठ गया था आके क्यों वकील जो है आपने वकालत तो करी नहीं, पहले जाते थे जब वकील नहीं थी, जब एडवोकेट नहीं थी, मतलब ये नहीं थी, तो आपने देखा, देखना और बात है, और जब आपको फेस करना है वो अलग बात है, और सॉल्व करना है वो अलग बात है, आगे ना अलग अलग स्टेजेस है। जैसा आपने काम ये कर लिया तो पुराने मजिस्ट्रेट वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं क्या जो आपने सोचा? पर एफर्ट्स कर रहे होंगे, हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं कर रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स उन्हें भी आ रही है। ठीक है वेरी नाइस। चलिए ये बताइए, आप अभी एविडेंस की बात कर रहे थे, तो साक्ष्य और सत्य इन दोनों में क्या फर्क है? साक्ष्य सत्य तो सर एक सच जो होता है वो होता है, लेकिन अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य में ये इंक्लूड नहीं है कि वो साक्ष्य देने वाला व्यक्ति सच ही बोल रहा है या नहीं। इस समय जो हमारी ये न्याय पद्धति है, जुडिशियल सिस्टम है, वो साक्ष्य पर आधारित है या सत्य पर आधारित है? सर साक्ष्य पर आधारित है। और सत्य पर आधारित कब था, कभी था हमारे यहाँ सत्य पर आधारित? नहीं, जैसे पंचायत सिस्टम था किसी जमाने जी, में जी, जी। वो क्या था, वो साक्ष्य पर आधारित था या सत्य पर आधारित था? वो सच पर आधारित। तो कौन सा ठीक है, सत्य पर आधारित या साक्ष्य पर आधारित? सर सच पर आधारित, लेकिन अभी जो प्रेजेंट देखा जाए तो साक्ष्य पर आधारित सही है। क्यों? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी ने ये लॉ बनाए हैं तो उन्होंने भी कुछ अच्छा ही देखकर इसे एविडेंस पर आधारित बनाया होगा। नहीं उसको छोड़िए, आप भी अपनी भी तो कुछ सोच होगी। सर हम जी बिल्कुल, जैसे मैं अभी एक विद्यार्थी से, अभी इसके पहले कैंडिडेट आए थे, मैं उनसे कह रहा था कि आप जिस सीट पर बैठी हैं वहाँ बैठ के आपको ये पता है कि सत्य ये है, बट साक्ष्य आपका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप न्याय करने में असमर्थ हैं। तो कैसे आप कह रही हैं कि साक्ष्य पर आधारित जो पद्धति है वो ज़्यादा अच्छी है, या जिन लोगों ने बनाया होगा उन्होंने समझ के बनाया, उनकी मजबूरी भी हो सकती है। जब ये हमारा आज़ाद हुए तो इतने सारे लॉज थे, उनको
बनाना और ये सब उनको रिवाइज करना, ये करना इतना आसान काम नहीं था। तो उन्होंने जो अंग्रेजों को बनाया हुआ सिस्टम था वो उसी को अडॉप्ट कर लिया। और अंग्रेजों ने क्यों सिस्टम बनाया था ये, अगर आपको इतिहास लीगल हिस्ट्री पता हो तो उन्होंने तो अपने लिए बनाया था ये, न्याय के लिए तो बनाया नहीं था ये, बट हमने उसी कंटिन्यू कर दिया। तो हम भी जानते हैं बाउंड है, बट क्या आपको संतोष होगा कि आपने जानते हुए अन्याय कर दिया? सर, संतोष तो नहीं होगा, लेकिन हम एविडेंस के अगेंस्ट जाकर निर्णय तो नहीं दे सकते। हमें बिल्कुल पता है कि वो जो एविडेंस आ रहे हैं वो झूठे आ रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन ने या फिर डिफेंस ने अगर उसको साबित कर दिया है तो हमें उन्हें मानना पड़ेगा। तो क्या आप लोगों को प्रयास नहीं करना चाहिए सत्य को निकालने के लिए? जी बिल्कुल सर, हम अगर इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर एविडेंस नहीं आ रहे हैं, आप और इन्वेस्टिगेशन करके लाइए ताकि और एविडेंस आए, सच्चे एविडेंस आ जाए, तो हम उस अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। और क्या सब्जेक्ट आप जानती हैं सर एविडेंस के अलावा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बताइए? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने क्या है? सो जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर तीन इंक्लूड है, एक मिनिमम। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पहले डेफिनेशन हमको बताइए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने क्या है? सॉरी सर, ये बताएं कि इसमें इंक्लूड क्या है। अरे भाई, वो इंक्लूड तो बाद में होगा, पहले तो आप जानेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जी सॉरी सर। तीन कौन कौन से हैं बताइए? वो सर वचन पत्र, विनिमय पत्र एंड चेक, इनमें तीन चीजों को डिफाइन किया गया है। तो वचन पत्र और दूसरा क्या बताया? विनिमय पत्र। विनिमय पत्र दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? सॉरी सर, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तब आप बता रही हैं कि आप जानती हैं इसको? सर, वो जो क्रिमिनल पार्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। क्रिमिनल पार्ट कहां है इसका बताइए? 17 चैप्टर। कौन सा? 138 बताया गया है कि एक चेक जब बाउंस होता है तो वो केस कैसे दायर होता है, मतलब वो ऑफेंस कैसे बनता है। तो अगर कोई एक चेक बैंक में पेश करने की डेट है 3 महीने, फिर उसके बाद में अगर वो चेक बाउंस होकर आ जाता है देन 30 दिन के अंदर जिन्होंने चेक दिया था उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप वो राशि दीजिए। अगर वो 15 दिन के अंदर उस रकम को नहीं लौटाते उसके बाद में आपके पास 1 महीने का टाइम पीरियड होता है कंप्लेन करने का जुडिशल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। क्या पनिशमेंट क्या है इसमें? सर पनिशमेंट तो 2 ईयर है और जो चेक की राशि है उसका डबल। आपने पढ़ाई कहाँ की? सर अजमेर ही है। अजमेर जी, ये तमर राजपूत होते हैं क्या? जी अजमेर में जो आपने प्रसिद्ध बात बताया पृथ्वीराज चौहान, तो बताया नहीं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो फेमस है सबसे 1191 एंड 1192 में तराइन के युद्ध हुए थे दो मोहम्मद गौरी के साथ में। जो 1191 में था उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था और जो 1192 था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था। और पृथ्वीराज सम्राट जो थे उनके शासनकाल में ही जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे अजमेर आए थे इराक से। और सर और भी कथाएं हैं और अजमेर के अंदर जो तारागढ़ पहाड़ी है वहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का स्मारक बना हुआ है जहाँ पर उनकी पत्नी संयोगिता और उनके सेनापति उनकी जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। ये रासो किसका लिखा हुआ है? पृथ्वीराज रासो। हाँ, किसका लिखा हुआ है? सॉरी सर,
मशहूर घटना क्या है पृथ्वीराज की? पृथ्वीराज जी चल तराइन के जो युद्ध हुए ये मशहूर घटना है। नहीं ये तो युद्ध हो गया। हाँ जी वो कोई ऐसी चीज़ है जो पृथ्वीराज ने बहुत जबरदस्त चीज करी किसी के वो क्या चीज़ है सर? जहाँ तक हमें याद है जब मोहम्मद गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया था तराइन के युद्ध के बाद में, तब वो उनके दरबार में पेश किया गया था उन्हें, तो उसमें ये कहा जाता है कि उनके जो साथ में थे उन्होंने एक कहावत बोली थी राजस्थानी भाषा में उनको, जी उसे समझ कर, क्योंकि वहाँ पे दरबार में कोई राजस्थानी भाषा नहीं समझता था, तो वो समझ कर पृथ्वीराज चौहान ने एक तीर चलाया था जो कि मोहम्मद गौरी को लगा था। तो ये शब्द भेदी वहाँ जी। अच्छा जो अजमेर में पहाड़ियाँ हैं कौन से पर्वत श्रृंखला है? सर अरावली पर्वत श्रृंखला के पार्ट है, और जिनमें जो तारागढ़ पहाड़ी है वो जो 10 पर्वत श्रृंखला है उनमें से एक मानी जाती है। और पृथ्वीराज दिल्ली के सम्राट थे? नहीं जी, उन्होंने राजधानी बनाया था दिल्ली को और अजमेर। हॉबी क्या है आपकी? सर ऐसे कोई पर्टिकुलर हॉबी तो है नहीं, लेकिन हम डायरी राइटिंग करते हैं। रोज लिखते हैं? सर रोज तो नहीं। क्या लिखती हैं उस डायरी में? सर जो अच्छा, हमें जो अच्छा लगता है, जिस दिन हम ज्यादा खुश होते हैं वो, और जिस दिन सही सही लगती हो, मैं ये कह रहा हूँ। खाना वाना बनाती हो? आता है लेकिन अभी बनाते नहीं। तो वहाँ किससे बनवाओगी? अफसर हो जाओगी जब? नहीं बनाओगी या किसी से बनवाओगी? अगर टाइम मिलेगा तो हम बना भी लेंगे। बताओ काम ऐसा, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा ये सोचो आप। सर शाम का जो होगा खाना वो हम खुद बनाना पसंद करेंगे, लेकिन जो सुबह का और दिन का होगा तो वो तो हम नहीं बना सकते, तो वो तो बनवाना ही। सारी मजिस्ट्रेट लेडी नहीं बनाती खाना हैं? ये तो आपने जैसे कहते हैं सुबह का तो वो नौकर बनाएगा जो बना देगा। सर लेकिन वो हमारा टाइम ना, ठीक है सर सुबह का हो सकता है पॉसिबल कि हम बनाए, लेकिन वो दिन का नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कोर्ट आवर्स। वो तो कोई अच्छा खाना बनाएगा नहीं। जैसा तो चपरासी भी नहीं मिलने वाले हैं। हम नहीं मिलेंगे चपरासी किसी जमाने में, आपको ही नहीं बनाता खाना। ओके नहीं तो खाना बनाने की प्रैक्टिस करो इसकी तैयारी के साथ साथ, क्योंकि वो जरूरी है लाइफ में। अभी जो इंटरव्यू हो रहे हैं ना साहब, उसके बाद कोई नहीं मिलेगा चपरासी। सही बात है साहब, तो रहे बरसों रहे, कोई वो जमाने गए अब जमाने गए, ठीक है ना, कोई नहीं करता है ना, फिर खुद को ही करना पड़ता है। सर हम सीखेंगे बिल्कुल। हाँ अब इसे सीखो और इसकी थोड़ी और तैयारी करो। राइट्स ऑफ वीमेन नेट वर्क प्लेस का क्या है? सॉरी सर यहाँ कोर्ट में या कहीं भी काम करते हैं आपके कुछ राइट्स हैं महिलाओं के, वो क्या है, लॉ क्या है? सर एक केस आया था विशाखा वर्सेस राजस्थान के, उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी थी जो वर्क प्लेस में जो वुमेन्स है उनके राइट को बताया था। क्या है इसमें हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन का क्या है? हैरेसमेंट तो हो सकता है, बॉस भी कर सकता है, क्या है राइट्स? राइट्स तो अपने पता होने चाहिए ना। हाँ जी सर, ड्यूटीज पता है तो राइट्स भी पता होने चाहिए। ड्यूटी किस सेक्शन के अंदर है, किस एक्ट में ड्यूटी के बारे में, ड्यूटीज के बारे में किस एक्ट में या किस कहाँ कहा गया है या आपकी ड्यूटी हर वुमन बीइंग की, हर सिटीजन की ये ड्यूटी? सर कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है आर्टिकल 51A, इनमें ड्यूटीज बताई गई है 11 कि एज अ भारत के नागरिक और आप राज्य जो भी हो आपकी ये कर्तव्य बन जाते हैं कि आप एक देश में रह रहे हो। नागरिकों का या राज्यों का? राज्य का, सॉरी नागरिक, राज्य का कर्तव्य कहाँ है उसमें? सर नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 36 से 50। एनफोर्सेबल है कि नहीं है ये? सर उसमें आर्टिकल 36 में है, आर्टिकल का कंफ्यूजन है कि उसमें डिफाइन है कि कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल तो नहीं है डीपीएसपी, लेकिन राज्य का कर्तव्य बन जाता है कि वो जब अपने नीतियाँ बनाए तो लोक कल्याणकारी राज्य की नीतियाँ बनाने के लिए उनको अप्लाई करें।
तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये एनफोर्सेबल हैं कि नहीं है? तब क्या अर्थ है? कर्तव्य है कि उन्हें एज अ ह्यूमन बीइंग कर्तव्य है बट एनफोर्सेबल है कि नहीं है वो? सर कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है कि नहीं है वो? सॉरी सर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? सर एक रिलेशन सर दोनों एक दूसरे पर आधारित है कि अधिकार के सॉरी सर अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं होते और कर्तव्यों के बिना अधिकार नहीं होता कि अगर किसी का कोई अधिकार दे रहा है एक व्यक्ति का तो किसी दूसरे पर्सन पे एक कर्तव्य इम्पोज किया जाता है अगर वो कर्तव्य इम्पोज नहीं किया गया तो उस अधिकार का कोई मायने ही नहीं रखता और फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसवी में सर डिफरेंसेस भी है क्या डिफरेंस है बताओ मेन डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट को कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल है बट डीपीएसवी एनफोर्सेबल नहीं है द फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है नहीं तो क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे उनमें ह्यूमन राइट्स नहीं है? दे आर नॉट द ह्यूमन राइट्स वही डिफरेंस बताओ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स दोनों में डिफरेंस क्या है? ह्यूमन राइट्स इनसे अलग भी हैं फंडामेंटल राइट्स से बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर ऑल्सो ह्यूमन राइट्स ये सब जानना चाहिए ना ठीक थोड़ी और क्लियर करना ये चंचल नाम किस देवी से जुड़ा हुआ है चंचल शब्द किसी देवी से जुड़ा हुआ है सर सॉरी नहीं सॉरी सर है बताओ जो लक्ष्मी देवी है उन्हें चंचला कहा जाता है और कोई आपके पास की अच्छी फिल्म स्टार है फिल्म देखती हो नो सर नहीं कोई भी नहीं देखी नो सर मोबाइल सर मोबाइल यूज नहीं करते फिल्म स्टार का नहीं मालूम नाम नो सर नाम तो पता है सर कि हाँ अभी कौन कौन चल रहे बट हम मूवीज नहीं देखते नहीं आपके कास्ट की जैसे है ना आप तमर हो ना कोई हाँ ऐसे नो सर आप पिक्चर देखती नहीं है टीवी सीरियल भी नहीं देखती नो सर टीवी भी नहीं है टीवी है नहीं टीवी है नहीं आप घर में इसलिए नहीं देखती हैं या है और देखती नहीं टीवी था लेकिन फिर हटवा दिया कि अब देखना ही नहीं है अरे तो आप अकेले नहीं है ना घर में तो और भी लोग हैं ना सर सबकी मेजॉरिटी थी कि टीवी देखना अच्छा नहीं होता तो हटा दो तो हट गई ये कहाँ से आ गया अच्छा नहीं होता बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टीवी से मिलती है जी बिल्कुल बात ग्रहण करो आप हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि जो अच्छी चीजें उनको देखिए उसमें एक साक्षी तंवर है साक्षी तंवर की तरफ वो चंचल अगर थोड़ी सी मेहनत और करो रिटर्न में आ जाओ इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न में आ जाओ रिटर्न में तो आ गए ना उसी की बात तो आ रहे हैं ये ऑलरेडी पास आ गए ना अच्छा अच्छा वो तो घोट घोट के उसने रिटर्न में पास कर लिया हमारी शुभकामनाएं तुम्हें थोड़ा सा अच्छी तरह थोड़ा और ओवरऑल जो आइडिया दिया ना भाई चांसलर साहब रहे हैं जज साहब रहे तो आइडिया दिया आपको थोड़ा सा मेहनत करो है ना God bless you. Okay, take care.